टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 20th of December 2017। जिन टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 1 को मंथली फाइल करने के लिए ऑप्शन चूज़ की है, वह टैक्स पेयर अपनी रिटर्न मंथली सिक्वेंशनली फाइल कर सकते हैं, यानी कि पहले उन्हें जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल करनी होगी, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर 2017। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले उन्हें प्रीवियस पीरियड की रिटर्न फाइल की होनी चाहिए, यानी कि उन्हें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 पिछले पीरियड की फाइल करनी होगी, उसके बाद ही वह नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बार यदि किसी व्यक्ति ने मंथली जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो वह पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसे चेंज नहीं कर सकता है और वह क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल की ऑप्शन है उसे भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। जिन टैक्स पेयर ने क्वार्टरली जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन चूज़ की है और उन्होंने जुलाई 2017 के लिए जीएसटी 1 को फाइल कर दिया है, अब वह अगस्त सितंबर 2017 के लिए जीएसटी 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सितंबर 2017 का पीरियड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जीएसटी 1 रिटर्न अगस्त सितंबर की फाइल करनी है। यदि किसी टैक्स पेयर ने जीएसटी 1 फॉर जुलाई 2017 फाइल नहीं की है तो सबसे पहले उन्हें जुलाई 2017 के लिए जीएसटी 1 को फाइल करना है, उसके बाद उन्हें अगस्त और सितंबर मंथ की जीएसटी 1 फाइल करनी है। इसके लिए उन्हें सितंबर 2017 जो है मंथ वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद उन्हें अगस्त और सितंबर 2017 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट पीरियड के लिए जीएसटी रिटर्न यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर 2017 के लिए क्वार्टरली फाइल करने के लिए जीएसटी रिटर्न की ऑप्शन दिसंबर 2017 के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा? यस, हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा। हेल्थ ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज को सर्विस अकाउंटिंग कोड 9931 के अंदर डिफाइन किया गया है, जहाँ पे के सब ग्रुप दिए गए हैं 9931 इन पेशेंट सर्विसेज, 9931 मेडिकल एंड डेंटल सर्विसेज, 9933 चाइल्ड बर्थ एंड रिलेटेड सर्विसेज, 9934 नर्सिंग एंड साइकोथेरेपेटिक सर्विसेज, 9935 एम्बुलेंस सर्विसेज, 9936 मेडिकल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विसेज, 9937 ब्लड स्पर्म एंड ऑर्गेन बैंक सर्विसेज, 9939 अदर ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एक्यूपंचर एंड द लाइक। इसके लिए आप सीरियल नंबर 604 ऑफ एनेक्सटेल टू नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक इस जीएसटी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी के रेट क्या होंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज पर सीजीएसटी रेट 9% एंड एसजीएसटी रेट 9% है और आईजीएसटी के रेट 18% है। इसके लिए आप सीरियल नंबर 31 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। क्या हेल्थ केयर सर्विसेज में जीएसटी से कोई एग्जम्पशन दी गई है? यस, जीएसटी के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज में एग्जम्पशन दी गई है, यानी कि यदि कोड ब्लड बैंक स्टेम सेल्स की प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई सर्विस देते हैं तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन है। इसी प्रकार ही कोई हेल्थ केयर सर्विसेज यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करती है या फिर कोई ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी जीएसटी से एग्जम्पशन है, या फिर एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस सर्विस को भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए आप सीरियल नंबर 73 एंड 74 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है कि कोई भी सर्विसेज जो इलनेस, इंजरी, डेफोमिटी, अबनॉर्मलिटी या फिर प्रेगनेंसी के लिए दी जाती है इंडिया में, और इसके अंदर वो सभी सर्विसेज आएंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की जाती है पेशेंट की टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसके अंदर वह सर्विस नहीं आएगी जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। लेकिन यदि कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बॉडी की किसी इंजरी
या फिर डिफेक्ट को रिस्टोर या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए की जाती है तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन होगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स की डेफिनेशन भी दी गई है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक जो कि इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मेलिटी या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सर्विसेज या फैसिलिटी ऑफर करता है ताकि वह डिजीज़ का डायग्नोस कर सके और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि इंडिया के कानून के अकॉर्डिंग जो काउंसिल बनी है उसमें रजिस्टर्ड है और इसके अंदर में मेडिकल प्रोफेशनल भी आएंगे जो कि इंडिया की मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफिकेशन उनके पास है। क्या वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड कोई जीएसटी में एग्जम्पशन दी गई है? यस, यदि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इस केस में आप सीरियल नंबर 75 और नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं जिनका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं तो क्या उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है? यस, जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है, यानी कि कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस से रिलेटेड सर्विस जैसे कि प्रोविजन ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरी, यूरिनल और टॉयलेट की सर्विस दी जाती है तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए आप सीरियल नंबर 76 सब नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं जिनका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। क्या चैरिटेबल एक्टिविटी को जीएसटी से को एग्जम्पशन दी गई है? जीएसटी से चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए एंटिटी को सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि कोई एंटिटी जो सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है वह सर्विस देती है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए आप सीरियल नंबर 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मतलब बताया गया है। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि टर्मली इल पर्सन्स या फिर जिनको कि सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी होती है उन पर्सन्स की आप केयर या काउंसलिंग करते हैं उसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कहा गया है। या फिर जो व्यक्ति एचआईवी या एड्स से एफ्लिक्टेड होता है उसे केयर एंड काउंसलिंग दी जाती है। या फिर जो व्यक्ति एडिक्टेड होते हैं जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स या अल्कोहल तो उस केस में उसे केयर या काउंसलिंग की जाती है। या फिर पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है जैसे कि प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन या फिर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा के एडवांसमेंट के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसे चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाएगा। इसी प्रकार कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडेंट और फ्रेंड या होमलेस चिल्ड्रन यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड कोई एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट की जाती है। या फिर फिजिकली या फिर मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशनल एक्टिविटी की जाती है। या प्रिजनर के लिए कोई एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल एक्टिविटीज़ की जाती है। या फिर जिन व्यक्तियों की एज 65 ईयर से ज़्यादा है जो कि रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए कोई एक्टिविटी की जाती है रिलेटिंग टू एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट उसे चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। या फिर इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसे भी चैरिटेबल एक्टिविटी कहा गया है। यहाँ पे रूरल एरिया की डेफिनेशन भी दी गई है। रूरल एरिया का मतलब है कि यदि लैंड रेवेन्यू कोड्स में कोई विलेज डिफाइन किया गया है तो उसे रूरल एरिया माना जाएगा लेकिन इसमें वह एरिया नहीं आएगा जो कि म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, टाउन एरिया कमेटी के अंदर आता है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर आता है या फिर कोई भी अर्बन एरिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती हैं। कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी है जिन्हें जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है? यदि कोई ट्रेनिंग या कोचिंग
प्रोवाइड की जाती है रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन है। इसी प्रकार ही कोई चैरिटेबल एंटिटी जो कि सेक्शन 12 डब्ल्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग या कोचिंग देती है तो उसे भी जीएसटी से एग्जम्प्ट माना गया है। इसके लिए आप सीरियल नंबर 80 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड सीरियल नंबर 83 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। इन दोनों नोटिफिकेशन के लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए जीएसटी के अंदर और क्या एग्जम्पशन दी गई है? यदि कोई व्यक्ति रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करता है और उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दी जाती है तो उसे भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए आप सीरियल नंबर 13 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट सीरियल नंबर 14 को रेफर कर सकते हैं, जिनका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसी प्रकार ही यदि रिलीजियस प्लेस की प्रीमिसिस को रेंट पे दिया जाता है जनरल पब्लिक के लिए तो उस केस में भी जीएसटी से एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट को सेक्शन 12 डबल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को सेक्शन 10 क्लोज 23C सब क्लोज 5 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर बॉडी एंड अथॉरिटी को सेक्शन 10 क्लोज 23BA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए आप सीरियल नंबर 13 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड सीरियल नंबर 14 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जनरल पब्लिक का मतलब भी बताया गया है। जनरल पब्लिक का मतलब है कि वह बॉडी ऑफ पीपल जिनमें के कॉमन क्वालिटीज होती हैं पब्लिक और इम्पर्सनल नेचर। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको एग्जम्पशन कब नहीं मिलेगी इसे भी बताया गया है, यानी कि यदि रेंटिंग ऑफ रूम जहाँ पे के चार्जेस 1000 रुपीज़ और मोर हों पर डे उस केस में एग्जम्पशन क्लेम नहीं की जा सकती, या फिर रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस कम्युनिटी हॉल या कला मंडपम और ओपन एरिया के जो चार्जेस हैं वो 10,000 रुपीज़ और मोर पर डे हो जाएं तो उस केस में भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, या फिर रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स जहाँ पे के चार्जेस 10,000 रुपीज़ और मोर पर मंथ हों उस केस में भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जीएसटी एक्ट के अंदर ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि जीएसटी से एग्जम्पशन है? ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जीएसटी के एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, यानी कि यदि यह सर्विसेज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी एंटिटी को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि सेक्शन 12 डबल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस केस में जो सर्विसेज वह एंटिटी ले रही है उसे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी यदि वह एंटिटी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेसिबल सर्विसेज को रिसीव कर रही है, क्योंकि उस केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है। और इसी प्रकार ही यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस ली जाती है, यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसल में आउटसाइड इंडिया से अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, उस केस में इंपोर्टर को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होता है, इसलिए यह एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आप सीरियल नंबर 10 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह नोटिफिकेशन सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर इशू किया गया है, यानी कि इंटरस्टेट से रिलेटेड सर्विसेज है, इसलिए यह एग्जम्पशन दी गई है। सेंट्रल टैक्स में यह एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी टैरिफ, जीएसटी रेट रेकनर एंड जीएसटी मैनुअल। ये सभी बुक्स नवंबर 2017 के अंदर इशू की गई हैं और इनके अंदर जो नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2017 को इशू किए गए हैं वह भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इन बुक्स का लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज TaxHeal.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है, इसके अलावा जो दूसरे जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म हैं जैसे कि GSTR 4 और TRAN 1 उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस
YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको TaxHeal.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में TaxHeal.com टाइप करना है, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी GST अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है GST रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफ़र कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज जो है बुकमार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है GST एक्ट, SGST एक्ट, GST काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, CGST नोटिफिकेशन, CGST टैक्स रेट नोटिफिकेशन, IGST नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप TaxHeal.com की GST टैब अपडेट टैब पर क्लिक करें। वहां पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST का या SGST एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको TaxHeal.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, TaxHeal.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो GST अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे GST एक्ट और SGST एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो GST एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे GST एक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल GST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप CGST एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफ़र करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन 9 पर तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन का लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं, आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप GST एक्ट है वह इजीली यहां पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो GST न्यूज़ है या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो GST की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें।
यदि आपने टैक्सहील की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxhill.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।